तुम्हें देख के तो लगता है ऐसे बहारों का मौसम आया हो जैसे। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर किशोर कुमार का आज जन्मदिन है। बेशक आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन गानों के जरिए आज भी वो लोगों के दिलों पर छाए रहते हैं। किशोर दा का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। किशोर दा का असली नाम आभास कुमार था, लेकिन ऑन स्क्रीन उन्हें पहचान किशोर कुमार से मिली। किशोर दा ने अपनी फिल्मी करियर में लगभग 1500 से ज्यादा गाने गाए। किशोर कुमार की प्रोफेशनल लाइफ जितनी सफल रही, उनकी निजी जिंदगी में उतनी ही उथल पुथल रही। किशोर कुमार ने टोटल 4 शादियां की थी। उनकी पहली शादी रुमा घोष, दूसरी शादी मधुबाला, तीसरी शादी योगिता बाली और चौथी शादी लीला चंद्रवरकर से हुई थी। मधुबाला के लिए किशोर दा ने अपना धर्म भी बदल लिया था। उन्होंने अपना नाम करीम अब्दुल रखा। कुछ सालों बाद मधुबाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद किशोर कुमार की शादी योगिता बाली से हुई, लेकिन 2 के भीतर ही दोनों का तलाक हो गया और योगिता ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। उनकी चौथी शादी लीला चंद्रवरकर से हुई। चौथी शादी के वक्त वो अपनी पत्नी से 21 साल बड़े थे, तब उनकी उम्र 51 वर्ष थी। 18 अक्टूबर 1987 को दिल का दौरा पड़ने से किशोर दा का निधन हो गया। उन्हें उनकी मातृभूमि खंडवा में ही दफनाया गया, जहां उनका मन बसता था।